ये जनाब वगैरह ले आए उन्हों कर रहे हैं। सर जो नीचे से आम होता है ना वो किसी काम का नहीं होता, काठा सा होता है ना, तो इसको पेमेंट करा के हम ये काला चौसा हो गया, चिट्टा चौसा हो गया, ये जो आगे किस्में बनती है ना ये पेमेंट से ही बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम पेमेंट करवा रहे हैं। ये देखें जी, ये कलमे ले के चाचू जी हैं, कलमे लेके आए हैं। चाचू जी दिखाना जरा कलमा, ये दूसरे बागों से। अच्छा, हम ये कलमे जो है ना दूसरे बागों से लेके आते हैं जब ये पौधा हो जाता है। अनलोड और दशहरी है, वापुरी चौसा है, चिट्टा चौसा है, माल्टा स्ट्रॉली है मौसमी। अच्छा, ये और लंगड़ा, लंगड़ा तो लंगड़े दे बाबा जी इलाज नहीं कराते, लंगड़े दे इलाज नहीं कराते कि सही हो जाए। ना ही लंगड़ा है ना। अच्छा, काम का नाम ही लंगड़ा है। सारा काम हिंदुस्तान से शुरू हुआ है। अनुटोर है, अनुटोर नाम का बंदा था, उसके नाम से अनुटोर है। चौसे का नाम से एक बंदा था, सही माशाल्लाह। चाचा जी की माशाल्लाह बड़ी इन्फॉर्मेशन है। एक लाओ ना, ये अब हमें एक आम लगा के दिखाएंगे कि ये कैसे लगाते हैं। मोर भी दिखाने हैं। ये नीचे से निकलेगी ना, ये जो कलम है ना लगाने के बाद जब ये यहाँ से शाख निकालेगी, ये थोड़ी सी ना यहाँ से शाख निकलेगी, ये ऊपर वाले सारे ये जो ऊपर टेन है ना ये खत्म कर देंगे। अच्छा, फिर सिर्फ ये एक कलम रह जाएगी। अच्छा, फिर ये यही नस्ल हो जाएगी, यही नस्ल हो जाएगी, वो ऊपर वाला सारा सिस्टम इसका खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ से ये फूटेगी और यहाँ से तो ये आगे उसको वो अच्छा वाला होगा वह तो फिर उसको नहीं लगा इसको ये छोटे ये काट देंगे ऊपर। ये वो खाने के नहीं होते ना, ये काठा आम होता है, काठा आम सिर्फ अचार के लिए होता है, यानी उसको अच्छा आम बनाने के लिए, अच्छा आम बनाने के लिए। जिस तरह आप वहाँ पर रेडी पे देखते हैं बड़े बड़े आम पड़े होते हैं चौसा, ये काठा तो बिकता ही नहीं है, ये काठा सिर्फ और सिर्फ अचार डालने के लिए काम आता है। वो वहाँ पर फ्रूट शॉप पे जाओ ना, सफेद चौसा, काला चौसा, उसके बाद छिंदड़ी आ गया जी, फलाना फलाना, ये नाम आ गया। तो जी ये बुजुर्ग हमारे बाबा जी जो है ना ये लगा रहे हैं, ये देखें पेमेंट कर रहे हैं आम पेमेंट, ये आम की नस्ल ही चेंज कर रहे हैं। हाँ हाँ जी, समझ लें कि इस पौधे के ऊपर ये किसी और आम की नस्ल लगा रहे हैं और बाद में ये जो है ना आम चेंज हो जाएगा। अब जो ये लगाएंगे ना इसको पेबंदकारी करेंगे, वही है फिर वही चलेगा, आम बन जाएगा, कोई दूसरा बन जाएगा, अभी सभी अचारी आम है, इसलिए इसको चेंज करने लगे। ये काट रहे हैं, उनकी काट रहे हैं, ये पूरी तैयारी हो रही है। हाथ मदद कर रहे हैं, चटन दे रहे हैं, मैं अमरूद खा रहा हूँ। देंगे अभी इसको कलम करने का तरीका देखें किस तरह कलम होते हैं, इन्होंने तो पता तुझे कभी कराया नहीं, नहीं। तुझे भी नहीं कराया, ये पहली बारी में खलो। हाँ जी, किस तरह कलम हो रही है देखने होने से। ये देखें जी, अब इसमें ना पेबंदकारी कर रहे हैं, यानी कि पहले जो आम लगा हुआ है वो कुछ और है, थोक नहीं वो थोड़ा अच्छा। सा गीला करके ना वो अंदर जगह बना रहा है कलम। अच्छा अच्छा, मैं इसके जरा सीम होते हैं ना। अच्छा अच्छा, नहीं मैं क्या ये कलम की जगह बनाए बन गई है ना ताकि वो कलम इसके अंदर चली जाए। अब ये देखें, ये देखें, ये अभी इसकी कलम बनाएगा, जैसे हम वो वैसे ये कलम बना के ना इसमें लगाएगा। जब ये थोड़ी सी शाख निकालेगा, ये ऊपर से कटेंगे ना, तो ये पौधा जो है ना जितनी भी ताकत होगा वो इस कलम को देगा, कलम यहाँ से फूट जाएगी और ये नया आम पैदा हो जाएगा यहाँ से। लंगड़े की कलम है, लटोल अनवर लटोल, सब आमों का सरदार। अच्छा, ये कितने अरसे में ये हो जाएगा, यानी सीजन तक हो जाएगा? नहीं नहीं, दो तीन चार तो 15 दिन में यानी कि फूटेगा, उसके बाद साल सवा साल डेढ़ साल ये जमीन का हिसाब होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, निकलना 15 दिन के अंदर ये निकलना शुरू हो। अच्छा, जैसे गर्मी होगी जल्दी निकलेगा, जैसे आज हवा रुकी है, जब हवा चलती रहे फिर थोड़ा लेट हो जाता है, बस होती है ना कुदरत का हिसाब, बस गर्मी में सूखते जा रहे।
ये इसने कलम लगा के इसने बांध दी है। अभी इसके ऊपर ये शापर भी बांधेगा ताकि इसको हवा ना लग सके। इसको शापर के साथ ये लपेट देगा मुकम्मल। ये कलम की हवा बंद कर दी। हाँ ये अब ये मुकम्मल हो गया काम इसका। पेमेंट एक कलम होगी जी। ये जी एक कलम लग गई जी। अब हम उम्मीद करेंगे ये भी आम है और काठा आम। फिर ये देखें ये अब इन्होंने आमों की बिजाई करनी है। यहाँ पे आमों की कलम लगाएंगे।